हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि किस तरह से आप होस्टिंगर का सर्विस ले सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं फास्टेस्ट वे में। बहुत सारे यूजर मेरे कमेंट कर रहे थे, सर इस पे वीडियो बनाओ क्योंकि मुझे उसको ढूंढने में और बहुत परेशानी हो रहा है। तो चलो फिर ज़्यादा देर ना करते, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कस्टमर सर्विस ले सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं होस्टिंगर पे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि होस्टिंगर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो किस तरह से उसको करना है वो देखते हैं। देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है या फिर आपके पास जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है होस्टिंगर। और यहाँ पे सिंपली चले जाना है फर्स्ट पे और यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे गूगल का यूज कर सकते हैं या फिर आपका ईमेल आईडिया और पासवर्ड आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं गूगल कर रहा हूँ। गाइस, जैसे मैंने लॉगिन किया गूगल से, यहाँ पे देखिए टू वे ऑथेंटिकेशन आ चुका है। अब टू वे जो ऑथेंटिकेशन होता है ये वेरीफाई करता है कि आप ही इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन कोड डालना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ये भी कवर करूंगा कि किस तरह से आप टू वे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं इस पे। सिंपली मुझे कोड चाहिए रहेगा। गाइज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये लॉगिन हो चुका है। अभी सिंपली चले जाना है हेल्प वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हेल्प में आने के बाद आपको चले आना है, देखिए यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र या सेटअप, जैसे कि आपको वेबसाइट को ट्रांसफ़र और सेटअप करवाना है तो यहाँ पे इसके लिए हेल्प चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपका साइट डाउन हो गया है तो इसको चूज़ कर लेना है। होस्टिंगर बिल्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डोमेन से रिलेटेड करना है तो यहाँ से। तो इस तरह से आपको जो भी आपका इशू है या फिर प्रॉब्लम है उसको उस हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड इशू था तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे करिए। जैसे कि मुझे करना है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है व्हेन माय रिफंड बी रिसीव इन माय अकाउंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करने के बाद मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और सिंपली करना क्या है, इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे उसने ये आंसर दे दिया है, उसने बता दिया कि यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन इसने दिया है। पेड हिस्ट्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड है और रिफंड हिस्ट्री यहाँ पे वो बोल रहा है जब भी आपका रिफंड हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ये रिफंड में हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। आई नीड हेल्प, अभी मैं आई नीड हेल्प करके डाला है यहाँ पे। अभी ये बोल रहा है कि किस से रिलेटेड, कौन से डोमेन से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे इसमें तीन या चार डोमेन है तो आप कौन से डोमेन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए डाल देता हूँ, जैसे मिस्टर मेरा ये डोमेन है तो मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ कि भाई मैं इस डोमेन के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये पूरा AI द्वारा ये रिटर्न है सारी चीज़ें। ठीक है, गाइज यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद यहाँ पे मैं उसको सेम क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, जस्ट नाउ नॉट सीन, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या कम्युनिकेशन किया। मैंने रिफंड से पूछा जो इसके बस में है, उसने बता दिया यहाँ पे आप चेक कर लो। उसके बाद आई नीड हेल्प रिलेटेड डोमेन, अभी ये डोमेन रिलेटेड है, कौन से डोमेन रिलेटेड है तो इसने पूछा, तो वो बोल रहा है कि हम डोमेन चेंज नहीं करते क्योंकि ये AI असिस्टेंट है, ये इतना सटीक आंसर नहीं दे सकता। तो हमको चाहिए कौन, हमको चाहिए कोई ह्यूमन बात करने वाला। तो यहाँ पर मैंने लिखा नीड कस्टमर सपोर्ट, जैसे मैंने नीड कस्टमर सपोर्ट बोला तो वैसे ही ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया। अभी यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर योर डिटेल, प्लीज़ अलाउ मी तो मोमेंट चेक ऑन योर अकाउंट, आई विल बैक टू योर शॉर्टली। तो ये बोल रहा है कि आप रुकिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इस
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने नीड कस्टमर सपोर्ट लिखा यहाँ पे, तो उसने इमिडिएटली ये चैट जो है वो एक्टिवेट कर दिया। जो भी बंदा खाली वहाँ पे बैठा रहेगा उसको तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, और आपके सामने वो आ जाएगा पॉपअप करके, वो असाइन करेगा, वे ऑटोमेटिक इनका जो सिस्टम है ऑटोमेटिक किसी एक बंदे को असाइन करेगा चैट पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इमिडिएटली। और अगर कोई चैट खाली नहीं है, कोई बंदा खाली नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसने लिखा है, इफ़ द लाइव चैट डज नॉट पॉप अप ऑटोमेटिकली प्लीज़ कॉन्टैक्ट थ्रू support@hostinger.com। मतलब अगर ये लाइव चैट जो है ना ऑटोमेटिकली पॉपअप नहीं होता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के जो ईमेल आईडी है उस पर कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन हमारा काम यहाँ पे ही हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से एक मेल लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने ये कर दिया, और अगर आपने इसको बंद भी कर दिया ना, तो इनका ये काम है कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर देने का। तो अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो भी आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा उस इनका आंसर कि आपका रिफंड कितने टाइम में आ जाएगा, या फिर जो भी क्वेश्चन आपने किया है उसका आंसर आ जाता है। तो गाइज इस तरह से आप होस्टिंगर का कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं फास्टेस्ट वे में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ये फीचर बनाया है, तो इसका यूज करना चाहिए, ना कि आप फ़ोन नंबर ढूंढते बैठेंगे, कॉल करेंगे, वो सारे चीज़ें काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, कॉल लगेगा नहीं लगेगा, कॉल बिजी है, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आप यहाँ से फास्टेस्ट वे में आप क्वेश्चन करके डायरेक्टली आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते। गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर कुछ और क्वेश्चन हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।